बठाले पे आएगा जबरदस्त खाडा बड़ा वसी बनाया है और जो उधर वाले प्लस्तर वास्ते रेत चक रहे हैं फल वगैरह ये सब्जियां रखनी है सब्जी ताजी लई दी थोड़ी बहुत ही तो फल वैसे नहीं खाते है। अस्सलाम वालेकुम जी की हाल में तमाम बन पाए हैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और जी माशाल्लाह जिस तरह से पिछली वीडियो जी वेख्या हैगा ये आली हुण सीमेंट की बोरी जी है उधर लानी हैगी प्लस्तर से दिखाने तुहानू बाकी ये आला सब कंप्लीट हो गया मुकम्मल और बाकी जी माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भाई चढ़ गए फट्टे फट्टे चढ़ गए सुनी सी तो गल बन सी ना चढ़ गए फट्टे ठीक है पर ना जावन देवी पर पानी ना जावन देवी हाँ नहीं तो मरे इत मरे सी अं करके ओनू नहीं तेनू मरे सर मैं किसी सटिया अच्छा हाँ उरा 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 आवन दे इतने पानी बाकी तराई करके माशाल्लाह जगह प्लस्तर करने हैं फिर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल हो जाएगा जिस तरह प्लस्तर है सारी मुकम्मल इस तरीके भी प्लस्तर हो जाएगी और साडा उस्ताद हथियार उधर लैके हुण इत्थे आ गए कोई काम जिथे वधा होना है अच्छा ही फिर असन सुबह सुबह गया तेन चक्कन सही किया क्यों नहीं आख बनता क्यों क्यों नहीं सही बेशक आख बनता सही बड़ी मेहरबानी शुक्रिया और जो उधर वाले प्लस्तर वास्ते रेत चक रहे फसल भाई तो इधरों देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा नलका इत्थे जबरदस्त खाडा बड़ा वसी बनाया है भावें बच्चे बिच खलो के तो नहाते भी रहन गर्मी कोई टेंशन न बने माशाल्लाह स्लेट भी बहुत प्यारी लग रही देखो एक नुक्कर तो लाई हैगी इधरों उन्होंने अलमारी आ गई तदे करके ना इधरों फिर अपनी सपोर्ट के नाल ना एडजस्ट कर लिए देखो बाकी खाडे तो दो स्टेप बनाए ने एक पिछे वाला एक अगे वाला ताकि बच्चे उत्थे भी खड़ो के सुकून ना पानी पी सकन और नूर माई ने लिए वर्दी नई नई वर्दी सिलवाई है कैसी लग रही मेरी नूर माशाल्लाह हसनैन दी भी लई है प्रीशा दी ईमान फातिमा दी सारे ने उतार दितियां ने और नूर ने हले कोई नहीं उतारी सुबह दिखावांगे दूसरे बच्चों दी और नूर नू कैसी लग रही है देखो ओ हसनैन भी आ गया नई वर्दी वाला हसनैन चलो माशा चलो चलो अंदर चलो ओ ना लड़ो ना चल रुक जा आ रही रुक जा स्नैन मैं भेजना छोड़ दे बेटा ना 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 लड़े ना करो आपस चल भाग जा परीक्षा वर्दी उतार दी अपना ईमान वर्दी उतार दी चलो कल दिखावांगे ते बड़ियां खूबसूरत वर्दियां माशाल्लाह सिलवाइयां नवीं और जी माशाल्लाह शुरू हो गया अगला काम क्या बात है पहला भट्ठा लाया मसाले का और फैसल भाई ने यह मसाला कंप्लीट कर लिया हूँ इधरों चक्की आवेंगे तो इतने छाप लाई जावे तो बाद इधर प्लस्तर हो जाएगा चक ले भजया भजया रहो सेटिंग कर रहा इटा दी फैसल सही है सही बेच रिड़के और ये डांस ज्यादा है कि ना स्टेप वगैरह कोई नहीं बने तदे करके रास्ता क्लियर किया है और रोड़े लान लग गया मन लगता है और लान लग गया लाल लाल हाँ यही ला दे अगे फिर
और जी दो बठल मसाले दे, दो आले पूरे नहीं लगे ना, डेढ़ के लग गया, अद्धा बठल आले पे आएगा। वाह छाप लग जाती दो बठल, और बाकी प्लस्तर होगी तो बड़ी खूबसूरत लगेगी दीवार। और जी दो बठल ना इतनी छाप लगी हैगी, हाले अद्धा बठल थले भी डिगया होगा, और तीसरा बठल भी आ गया। क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। उस्ताद ने उत्ते फट्टी दा लेवल भी रख के ना फिर छाप लांदा पे, भी नुकसान ना उता ना जावे कुछ है। और बाकी गर्मी आज बहुत ज्यादा, जिस तरह मतलब रेगिस्तान च नहीं होंदी है गर्मी, इस तरीके गर्मी आएगी बहुत ज्यादा। बाकी घबराना नहीं चाहिए, गर्मी हुई तो गंदम पकनी हैगी, देखो ना ब्राउन ता ही हुई है, गर्मी दो दिन पई हैगी तदे कर। लो जी ये है जी तीन मठा, आ जा रिश्तेदार चक के नू शहजादा साडा सोहना वीर, मसाला नहीं मुकदा है, मुकम्मल हो जाएगी इस नाल। साथ कहंदा भी बठा वधेगा घटदा नहीं है, इको बोरी हैगी सी, दो रेड़ियाँ रेत दियाँ तो एक अपना बोरी सीमेंट की, दो एक का मसाला बनवाया है। और जी देखो माशाल्लाह जफर भाई ने मुकम्मल भी कर लिया, उपर वाला हिस्सा जोड़ा, बाकी थले वाला हिस्सा रह गया, ये आला थोड़ा जहा इनुकर रह गई परली जी ना, बाकी ये तो होया होया जाया नहीं करना है, बाकी टोटा रह जाएगा इधर, इतने फट्टा रख के तो फिर हो जाएगा छोटा छोटा, इन्ना कि टोटा थले है गया तो इन्ना कि ऊपर आएगा, बाकी समझो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। और मसाला भी पूरा पूरा आएगा इन्ना की गल। अच्छा 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 चक लर चलो सही है, चक लो चक, गुआढ़िया आख्या भी इतने जलेपी करूँगा तो चक लो, मेहरबानी फैसल भाई, नहीं तो मैं शाम चकने पैने से, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ा तो जाएगा कोई नहीं, तद करके मैं अंदर गया तो खाना खाया ता करके लेट हो गई, तो जफर भाई ने मतलब ना मुकम्मल कर लिया इधरों। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हैगी हकीकत, हद ही वादे, देखो वो पेंट हुई हुई है बिल्डिंग किस तरह चमक रही हैगी, इतने ठंडी हवा लग रही जिते खड़ा मैं उच्ची जगह पर, बाकी सारी टोटल धुप हैगी, उधर बाहर निकले गर्मी तो लगनी साफ जहर है, उधर मतलब धुप हैगी, तो यह उच्ची जगह हैगी इतने हवा चल रही हैगी ऐसा ऐसा। और बाकी माशाल्लाह से ये आले, बाकी जिस तरह ये प्लस्तर हो गया मुकम्मल, ये भी हो गया माशाल्लाह, हो गया समझो कितनी खूबसूरत लगेगी दीवारा दोनों, बाकी यह रह जाएंगे तो फिर मुकम्मल हो तो फिर ही इन्होंने प्लस्तर करावे, पहले नहीं। कपड़ा उड़ रहा उपर, कैसा मंजर बना रहा, ये देखो गुब्बारा बन गया, हवा चली हुई ना, ये देखो क्या ठंडी हवा, और ये गया ऊपर कपड़ा, हवा ना बड़ा ऊपर स्टाइल ना जाता है, फिर थले आंदा है देखो चोली बन जाती, फिर उठना शुरू हो गया, हो गया। उतो फटिया होगा आंधी वगैरह आई तो खराबी हो जाएगी इनकी, पहले ठीक है साए वास्ते। और बाकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा काम हो जाएगा जो प्लस्तर हो गया ना, ये देखो किस तरह बुरी लगती सी दीवार, हूँ कितनी चमक रही है माशाल्लाह। बाकी ये वाला टोटा रह गया, इस तो बाद थले छोटा जो टोटा है तो ये इन्ना दोनों का हैगा अपना। और बाकी माशाल्लाह ये वाले अनार इत्थे रहणगे हुण, इन्हां नूं प्रॉब्लम कोई नहीं हैगी, इत्थे जिहड़े गुलाब वगैरह ये लीमू के बूटे सारिया चीज़ां इत्थे रहणगियां। और ये देखो अनार किस तरह ग्रो कर रहा है थलों,
ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਇੱਕੇ ਤਣੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ, ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਦਾ ਧੁੰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਫੈਨਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਲ ਮਾਰਨਾ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਰਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੱਲੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਓ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰਸ਼ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ, ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਫਰ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾ ਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ, ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਕਰ, ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਅਲੇ ਤੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲੇਪੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਬਾਈ ਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੇਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੰਡੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਪੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਪਲਸਤਾ ਤੋਂ ਦਿਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਈ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੋ ਮਿਸਤਰੀ ਫੈਸਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਧਤ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਗਾਣਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲਾਈ ਖੜਾ, ਹਾਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਥੱਪੀ ਖੋਤਾ ਹੀ ਉੱਤੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅ ਉਸਤਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲਾਨਾ, ਫੱਟੀ ਉੱਧਰ ਪਈ, ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੀ, ਮੈਂ ਲਾਭ ਨਾ ਲਾਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ। ਐ ਰਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੱਟੀ ਪਿਆਂਦਾ ਉੱਧਰ ਪਈ, ਰੱਖ ਆ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਐਸੇ ਫੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਟ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਗੱਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਣ ਦੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਪ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਪੇ ਫਿਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ।
ज्यादा लग रहा है ओनू बहर कड फट्टी नू फिर बराबर लेवल होगा नहीं ओ फट्टी बहर कड अत्ते दी करावे नहीं चल उस्ताद जी आ खराब कर गए फट्टी बहर कढेगा तो ता ही लेवल होना अगां सीधी ऐसे आइयो गल ठीक है हूँ सही हाँ ठीक है। लो जी फैसल साहब ने परली साइड ते इट्टा रख के हुण मुकम्मल जिहड़ा ना फट्टी ने लाई है बराबर साडी मान नहीं रहा हुण उस्ताद दी मन्नी सू हुण बिल्कुल बराबर फट्टी रख लै उस्ताद आखे अगा ना कर लेकिन इन बराबर कर पिछा कर उत्ते इट रख के मजबूती ना इधर भी रखो इधर रहन दे ठीक उत्तों फाड़ के ते छाप लाई आ हाँ ये तो शुक्र वेख लै एवें सिटी जाना क्योंकि ये पहले हैगी सी लाणी फट्टी फिर बराबर होंगी जिस तरह मतलब है ना आनी बनी खड़ी इस तरीके आनी बन जानी सी। और जी मसाला ये देखो थोड़ा जहा रह गया बस टोप किस तरह नज़र आ रही है इतों ये देखो टोप दे नज़ारे ओपन एरिया दे ही तरौला होंदा कोई मुश्किल नहीं कोई दरवाज़ा नहीं खोलना बाहर फिर दे तो ओपन दिखा दो जी। और बाकी जी माशाल्लाह क्या बात है कितना खूबसूरत लग रहा है इन्हें लाणिया है स्लेटा तो उनकी वजह तो ना मतलब कच्चा करया है एक बार ना उत्ते अपना नीरू शीरू नहीं पाया है इन उत्ते स्लेटा लगनिया है मुकम्मल। और जी फैसल मिस्त्री जेड़ा ना थक गया है उस्ताद बुलाया सो मैं सही कर दे जा नहीं होया ना फट्टी ला तो शरगेत ही चंगा है हाँ पड़ींदा ही नहीं पी चल मैं ला दिना अद गिड़माला फदास साहब लो जी उस्ताद हुण फिट कर देगा। ये देखो जी सूरज साहब दी छावां आ रही है ने और अपना नलका जिहड़ा वह भी कंप्लीट हो गया देखो मुबारक दे आ जी सानू कमेंट से जरूर माशाला ये देखो जिन्हां दे नां ते हैगा सी सदका जारिया आया होया उन्हां दी स्लेट ही माशाला लाती और दुआ करिया जे अल्लाह पाक ताक कयामत इन्हें इसे तरीके इत्थे शादोबाद रखे आमीन। और इत्थे काफ़ी धुप लग रही है वाकई इत्थे बड़ी तेज़ धुप हैगी बाहर ये देखो नाले सड़क पर खड़ा हैगा इत्थे भी साया माड़ा माड़ा लेकिन उत्थे बड़ी ज़्यादा तेज़ धुप है जी तो बाकी ओपन एरिया देखो माशाल्लाह नलके ने चार चांद ला दिते ने ते हुण अगे जदों दे ते स्लेटां पै गईयां होर चार चांद लग जाणगे अठ चांद हो जाणगे माशाल्लाह क्या लेना काके वेरी गुड साई वेरी गुड बात हुई ना की लेना चीज क्या चीज ये पकड़ाओ ले जाओ। और बाकी जी उस दिन ये आला गजेस्ट जेड़ा हैगा सी और एक ये आला ये मैं दोवें पार दित्ते सी और अंदर फैसल भाई नूं लैके गया हुण दिखा के आए एक अंदर हैगा गजेस्ट उन्हूं क्या भी बंद कर दे चलिया हैगा फिर उन्हें पीलर वाले भी करने है गजेस्ट बंद ना बुरे लगते हैं चलो जी लो जी ये आला गजेस्ट हैगा ये देखो इन दे विच ना पा के अद्धा रोड़ा पै जाना हाँ अद्धा रोड़ा भी बाहरों लिया पा के तो फिर इन्होंने उपर लिप देने बुरा लग रहा है यूं पाना चल आ चल ए लो जी ए पूरा आ गया वाह जी वाह वाह फैसल वाह ला दे उत्ते उन्होंने मैं कपड़ा जरा अंदर लो जी ये भी गजेस्ट हो गया बंद चलो वेरी गुड मिस्त्री पढ़ाई कर रहा है चलो जी आप बाहर चलिए गुड़माला। और जी बाकी माशाल्लाह देखो बाहर का कितना प्यारा माहौल लग रहा है थोड़े जे पैसे लगे है तो मैं उजाड़ बनया पे है सी अल्लाह माफ करे लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह देखो जबरदस्त उपरों बिल्कुल गुलाई करती जो फिर वार लावे उन्होंने अलग का प्लस्तर हो जाएगा इंशाल्लाह। लो जी फाइनली ये भी मुकम्मल हो गए देखो छुआवा सूरज जी किस तरह पै रही ने इधरों माशाल्लाह कितनी खूबसूरत किरण लग रही है सूरज दी जबरदस्त सुभान अल्लाह। और बाकी ये देखो जी फैसल दे काम सफाइयां ना क्या बात है बाकी देखो दीवार ए कलर हैगा जिहड़ा ब्राउन ब्राउन इन दे नाल दा आपां ना ज़्यादा यानी कि ना तेज़ ब्राउन
वह करावे दीवार को ताकि मिस्त्री कहता बे भी मुकम्मल हो जाए और तेज़ ब्राउन जरा खूबसूरत लगे यानी कि ना वो एक मैंगो टाइप होना है बड़ा जबरदस्त कलर है विखाया मिस्त्री ने मैंने अगे जेब ले फिर दस पेपर छोटा जा आंदा इन कलर कराना ताकि वह मैच हो जाए मिट्टी कलर में ये वाला भी और वो वाला भी तुहाडा कोई मसला ना बने यकसा हो जाएंगे मुकम्मल बाकी अगों ही उही करा लाँगे एक बार फिर देखा बाद जो करवाना हो करवा लाँगे लेकिन वक्ती तौर यही करवावे कलर उस दीवार में अगों फ्रंट तो इंशाल्लाह और बाकी जिस तरह तुहानू कहिंदे हुंदे सी इंशाल्लाह ये चौरस यानी कि ना थड़ा बनेगा कितना प्यारा तो उस तरीके कितना प्यारा बनया है टोटल और ये अपना दीवार बनाना और दुकाना बनाना ये भी मजबूरी हैगी ताकि ज़्यादा कारोबार कर सकी फिर इस तरीके इको दुकान सारे काम नहीं होने है तदे करके उत्ते यानी कहते ना पा के छत तो इंशाल्लाह थले फटे जस्ट क्योंकि फटे चक के अंदर रखने बाहर रखने बड़ी मुसीबत होंगी हैगी तदे करके ना उत्ते छत पैगी ना तो इंशाल्लाह इत्थे फटे पै होणगे तो अगों ग्रिल लवा देंगे कोई टेंशन फटे पै पवै समान यानी कि मुकम्मल पिया होगा क्योंकि फटे अंदर रख के अंदर रख बाहर कड वो खराब हो रहे है ने तदे करके असी ये कदम उठा रहे हैं। मैं पहले भी भैन भाई ने दसिया एक वीडियो दे तो हूँ भी दस रहा है कोई बंदे सानू कमेंट करते हैं लो जी नवा काम छेड़ लिया लेकिन साड़ी मजबूरी हैगी कसम खुदा दी और साड़ी कोई शौक नहीं हैगी जी असी इत्थे कोई अगे मतलब कोई बैठक बनाई है या कोई बरांडे बनाई है यहोजे लेकिन कारोबार अच्छा होगा वो वाली उत्थे खड़ी रहेगी या उत्थे छत पा लाँगी या इत्थे पा लाँगी एक छत सानू जरूरी हैगी एक छत तो हैगी ना एक छत इत्थे जरूरी हैगी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह और बाकी आ लेवल देखो कितना प्यारा है देखो फटी कितनी प्यारी लग रही हैगी और अगे की पोजिशन तुम देखी हुई है माशाला तो इस तरीके हूँ स्लेटा जो लग गई ना तो बड़ा प्यारा व्यू बन जाएगा इंशाल्लाह। लो जी माशाला ये आला बिल्कुल उस्ताद ने रेडी करके कहा भी ये हूँ मुकम्मल हो गया बिल्कुल यह फोम मारन वाला है तदे करके इस तरीके नज़र आ रहे दूरों फोम साढ़े को है कोई नहीं तो दूरों मैंने नज़र आया ना भी इस तरीके जिस तरह टोए पे हुए हैं ता करके नज़दीक होकर के भैन भाइयों ने शेयर कर रहे हैं ताकि वे ना आखिर मिस्त्री अच्छा नहीं बनाया है देखो बिल्कुल लेवल मुकम्मल थले वाले ना रलाया है टोटल और बाकी थोड़ा जहा जो मसाला बचा हैगा ये आला ये आले उत्थे ना खाली तो वार देन लगे है तीन परली साइड से अगे होकर तो नहीं दिखाना है अच्छी बात नहीं हैगी तो वह तीन वार जो खाली तो दे लैने इंशाल्लाह फिर स्लेटा जो भरिया जी फिर उन उत्ते स्लेपा पा के फिर ब्राई करके फिर स्टेप बनने माशाल्लाह इधरों भी स्टेप बनने परली साइड तो बड़ी खूबसूरती बनेगी माशाल्लाह इंशाल्लाह और अन करीब भैन भाइयों ने शेयर करा देखो कितनी खूबसूरती बन गई है जिस तरह के ये वादे किए ने पूरे किए ने इंशाल्लाह इस तरीके ये वादा पूरा होगा और जी बाकी इटा की तराई इटा रोड़े जो पैन उन्होंने तराई शुरू होगी इटा रोड़े सारे लग जाएंगे उत्ते बाहर आने ना कोई टेंशन नहीं हैगी खाली के थले दबे जाने ने सारे तो जड़िया साफ इटा पे ने परली साइड से वह भी उस्ताद कहता भी इन्हों तार कर दौ ये बिचे लगनिया है जोड़ा मैं कोला बनाया सी देखो ये वालिया भी तार करके तो उत्थे ला देनिया है और बाकी असन बेटा समान लैन गया कुछ दुकान का जोड़ा काम है वह लैके आता है और जी ऐशा बेटी ने फ्रिज की भी करती सफाई है देखो सारा कुछ ही निकाल के ना अच्छी तरीके सरफ ना धो तो के साफ करके बाहर पिया है सारा समान फिर बेच एडजस्ट करना है अंदरों फ्रिज का ही मेरा ख्याल है ना फ्रिज की सफाई हाले नहीं हुई हैगी हूँ कर लगे है टोटल टोटल सफाई होगी जरनल सफाई चूपा पिया है स्नैन रंगे रखे है क्योंकि ज़्यादातर फ्रिज फ्रीजर असं यूज़ कर रहे हैं उधर वाला क्योंकि थोड़ा बहुत पानी वगैरह रखना होता ठंडा करने वास्ते उधर रख लीजिए इनका खर्चा तो बचाइए नहीं इक्के जगह का खर्चा हो बंदा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि असं जो फल वगैरह या सब्जियां रखनी है सब्जी ताज़ी लई दी थोड़ी बहुत तो फल वैसे नहीं खाते है जो दुकान छड़ी हैगी नो नो नेवर कद कद मतलब शहर से लाइए शौक ना थोड़ा बहुत तो वह बच्चे खा लेन वरना ज़्यादातर जिस तरह मतलब पहले इजाफी मकदार ना घरे होंदा सी हूँ नहीं होंदा है बाकी दुआ करो इंशाल्लाह अल्लाह पाक गुंजाइश दी तो फिर फ्रिज भरी रही करेगी फ्रूट ना फिर चलाई करांगे वैसे हूँ बंद ही होगी क्योंकि फ्रीजर फ्रिज भी जाम की करेगी फ्रिज कह रहे हैं बर्फ़ भी जाम की करेगी उन्हें बर्फ़ भी जमा ली करांगे और दूसरा भी इको ही खर्चा करांगे ना फिर ये वाली रेस्ट करवाने गर्मियों के यही है या मतलब कदे कदार चला ली तो उस तो बाद बंद करती ज़्यादा मतलब बर्फ़ उधर ना जमानी हुई ना क्योंकि बर्फ़ उधर जमाइए तो फिर बोतल भी साफ ज़्यादा बर्फ़ हो जानी उधर बेच तो इस करके बर्फ़ चाहिए हुई तो इधर जमा ली बाकी ठंडिया चीज़ा करनी तो उधर इंशाल्लाह। और बाकी जी असं ये काम कर लिया कंप्लीट देखो फटे भी धो दिते ने भी हो गया बाकी मिस्त्री आंदा
मिस्त्री भाई गया इधर गवांढियां वाले उधरों या ही आंदा है तो वह असं वार दें इंशाला जेडे उपर वार हो या मतलब कल की जी सिचुएशन हुई वह भैन भाइयों ने शेयर करा इंशाला तो हूँ ज्यादा चाहते हैं भैन भाइयों तू और जी ज्यादा तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो मुकम्मल वाच करा जाए और जिन्हें चैनल नहीं सबसक्राइब किया सबसक्राइब जरूर कर लिया जे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगेबान दुआ में याद रखना थैंक यू।